खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। दौराहा शासकीय माध्यमिक शाला पटमहुआ खेड़ा में प्राचार्य सत्यनारायण शर्मा के ऊपर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सत्यनारायण शर्मा स्कूल नहीं आते हैं, दो चार दिन में आते हैं, मात्र सिर्फ एक घंटे के लिए आते हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा प्राचार्य के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुर्सी टेबल के पैसे निकाल कर खा लिए गए हैं, ना ही बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना ही स्कूल के अंदर कोई व्यवस्था है। ग्रामीणों और सरपंच प्रतिनिधि द्वारा हिसाब मांगने पर सत्यनारायण शर्मा द्वारा हिसाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि नेपाल सिंह दांगी का कहना है कि स्कूल में अव्यवस्थाएँ बहुत हैं, स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए जो पैसा आया है उसमें 4,000 या 5,000 का सामान आया है, बाकी का पैसा निकाल लिया गया है। सत्यनारायण शर्मा जी से इस संबंध में जानना चाहा तो रोज मीटिंग का कहकर गुमराह किया जा रहा है। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि शिक्षक सत्यनारायण शर्मा का मन होता है तो वह क्लास लेते हैं। ग्रामीण राजेश कुमार दांगी, सरपंच प्रतिनिधि नेपाल दांगी, सुरेंद्र दांगी, दिनेश कुमार राव, धर्मेंद्र राव ने शिक्षक सत्यनारायण शर्मा पर आरोप लगाया है कि 60,000 या 62,000 रुपए आया है, पता नहीं यह पैसा कहाँ गया। सत्यनारायण शर्मा 4-5 दिन में स्कूल आते हैं और अपनी हाजिरी लगाकर साइन कर चले जाते हैं। नेपाल सिंह दांगी सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि मैनेजमेंट का पैसा निकाल लिया गया है लेकिन स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है। नाम है आपका बेटा? कौन सी क्लास में आप? ये जो प्रिंसिपल हैं आपके शर्मा जी, ये आते हैं क्या स्कूल? यस सर, कभी कभी आते हैं, तो 12:30। कोई क्लास लेते हैं आपकी? लेते हैं कभी सभी। कभी सभी लेते हैं? तो हफ्ते में कितने दिन आते हैं? सर 3-4 दिन बस। उसके बाद वो कितनी देर के लिए आते हैं? सर क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। ये सर जो हैं सत्यनारायण शर्मा जी, ये हफ्ते में कितने दिन स्कूल आते हैं? 3 या 4। तो आपकी कोई क्लास लेते हैं? क्या लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं आपका? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाते हैं? उसके बाद आपका कितना हो गया इंग्लिश का सब्जेक्ट, कितना हो गया अभी तक? पढ़ता है, एक आध तो पार्ट करवा देते हैं। नहीं, अभी कितना सिलेबस हुए हैं आपके, कितने पार्ट पढ़े हैं? अभी एक भी हुआ तो भी इंग्लिश करवा देते हैं, एक आध पार्ट और चलेगा। अच्छा, मतलब कोई कॉपी वगैरह कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक? लिखवाना? लिखवाया नहीं है। नहीं, आप 8th क्लास में? क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार गांधी ग्राम पंचायत मऊगा खड़ा से हूँ। यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार चल रही है। यहाँ के टीचर जो प्रिंसिपल है वो पैसे निकाल लिए हैं, स्कूल के कुर्सी टेबल के लिए पैसे आते हैं बच्चों के लिए, वो पैसे सारे पूरे निकाल के खा चुका है। ना तो यहाँ पर आता है समय पर, और पहली बात तो यहाँ आते ही नहीं, सभी ग्रामवासी बोलते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी का नेता राजेश कुमार दांगी अध्यक्ष, मैंने आके यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर पूरा गलत चल रहा है माहौल। इस कंडीशन में सरकार से मेरा निवेदन है, मैं बात भी करूँगा मंत्री जी से, कि बहुत वो भ्रष्टाचार मचा रखा है इसमें ज़बरदस्ती का। अब आगे की यह है कि यहाँ सब लोगों को मैं बता भी चुका हूँ, यहाँ के लोगों को तो लोगों ने सरपंच साहब को बुलाया है, उनको भी देखा है, तो उनने भी वेरिफिकेशन करा है, तो यहाँ पर कोई नहीं आता है, तो मिलते ही नहीं है यहाँ पर समय पर। और यहाँ स्कूल की व्यवस्था इतनी भंग कर रखी है, ना तो कोई बच्चे की पढ़ाई हो रही है, पूरा भविष्य खराब हो रहा है पूरी तरह। तो आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हम जाके बात करें। मेरा नाम धर्मेंद्र राव है और यहाँ की जो व्यवस्था देखी हमने, यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ही गड़बड़ लगी हमको। और मैंने स्वयं जाकर प्रिंसिपल साहब को जो है कन्या शाला में एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने भी एक्शन लेने का कहा था। इसके बाद भी जो अपने जो मास्टर साहब है, मास्टर साहब क्या नाम उनका, सत्यनारायण शर्मा जी, वो आते हैं वो 2-5 मिनट के लिए। अभी तक मैं जितनी वक्त भी स्कूल में आया हूँ उतनी बार मतलब मुझको प्रेजेंट पाए नहीं गए, और मैं उनसे 2 बात की चर्चा करने के लिए आया था मगर वो आज तक मुझे मिल ही नहीं पाए। तो उनसे बात तो हुई होगी आपकी? जब दर्शन ही नहीं हुए तो बात कहाँ से होगी। और जो 60-65 हज़ार रुपये का जो मैटर था स्कूल के बच्चों के लिए, कुछ सामग्री के लिए आया था, उसमें 2-5 हज़ार रुपये की सामग्री आई, बाकी इन्होंने पैसा निकाल लिया गया। और हिसाब मांगते हैं तो वो हिसाब के नाम वो कहते देते हैं कि मैं सामान लिया है, तो हमको सामान पूरा जो भी है वो एकत्रित कर बता दें, हिसाब बता दें।
वो ये मैं पूछने आता हूँ, उसके बाद भी वो आ नहीं पाते हैं। क्या कहते हैं आप फोन वगैरह पे उनसे बात करते हैं? क्या मीटिंग में हूँ साहब, कहाँ की मीटिंग में? रोजाना यही जवाब? हाँ यही जवाब देते हैं। अभी हुई, आज बात हुई? अभी अब अभी फोन लगाया था सतना साहब ने, तो अभी बोल रहे थे कि मैं दोहराए में हूँ, सामान भोपाल में कुछ योर हूँ, मीटिंग में हूँ, कहाँ पर हूँ। सर क्या नाम है आपका? राजीव श्रीवास्तव जी। क्या पद पे हैं आप यहाँ पर? सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक। तो सर ये जो बच्चों का आरोप है और ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ राशि वगैरह निकाली है सत्यनारायण शर्मा जी ने, इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? सर थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। क्या है नॉलेज जो है आप? उस दिन वो अध्यक्ष महोदय आई जी तो उन्होंने बताया था जी। क्या? तो मैंने इतने पैसे निकलवा दिए जी। किस चीज़ के लिए निकलाए हैं पैसे? किस चीज़ के लिए निकले? अध्यक्ष साहब से बोला था कि स्कूल में सामान लाएंगे जी, मैनेजमेंट के लिए, खेल खिलौने वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर कितने टीचर हैं सर? नियमित में यहाँ सर तीनों तो पाँच टीचर हैं। आज कितने आए सर? आज दो और दो चार टीचर। कौन कौन आए, नाम उनके? अशोक चंद्रवार जी हैं जी, राजीव श्रीवास्तव जी, सीमा मीणा जी, शर्मा जी आए थे। चले कितने देर के लिए आए थे सर? 5-7 मिनट। वो अशोक सर से भी बोल के गए। क्या बोल के गए? संकुल जा रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो बच्चों का भविष्य है, जो मैथ के टीचर नहीं है और संस्कृत के टीचर नहीं है, हिंदी के नहीं है, उनके लिए सर कोई आपने लिखित किसी को दिया या बोला किसी को? सर अभी जो अतिथि के लिए निकला था आवेदन जी, उसमें हमने सोशल साइंस वालों के बारे में लिया था जी, तो मना कर दी साहब उन्होंने कि आपकी यहाँ जगह नहीं मिली। क्या नाम है सर आपका? अशोक शर्मा। सर जो स्कूल के ग्रामीणों के आरोप हैं कि सर स्कूल आते नहीं हैं, 2-5 मिनट के लिए आते हैं, क्या सही है सर? किन के लिए? सत्यनारायण शर्मा जी के लिए आते हैं लेकिन लेट आते हैं, चले जाते हैं। कितनी देर सर? बस दोपहर में आते हैं 11:30 बजे से समथिंग, 11-12 बजे, और फिर मूवमेंट पंजीम लिख के चले जाते हैं। शाम के रजिस्टर में साइन वगैरह कर देते हैं? तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने साइन नहीं किए हों, दूसरे दिन आगे किए हों? हो जाता है सर। और जो सर बच्चों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर अतिथि अपन ने रखे थे लेकिन पोर्टल पे उनका शो नहीं हो रहा है जी, जबकि यहाँ पर आवश्यकता है, पोर्टल पे गलत एंट्री है इसका। लगभग कितने टीचरों की आवश्यकता है यहाँ पर? अभी वर्तमान में 3 टीचर की आवश्यकता। 3 टीचर किस किस सब्जेक्ट के? गणित का आवश्यक है, अंग्रेजी का, सामाजिक विज्ञान का। अच्छा, तो सर बता, ये बच्चे बता रहे हैं कि सर पढ़ाते हैं उनको सत्यनारायण शर्मा जी, तो फिर एक पीरियड ले लेते हैं, एक आध पीरियड हो सर, वो कभी सभी तो आते हैं हफ्ते में 3 दिन, सभी जब भी आते हैं जी, फ्री टाइम में ले लेते हैं। तो आपने सर किसी से शिकायत की इस विषय में, क्योंकि आपके यहाँ मैनेजमेंट व्यवस्था गड़बड़ा रही है? प्राचार्य महोदय कई बार आए हैं, सब देख कर रहा है इस चीज़ को। प्रचार कौन है यहाँ पे? विजय मौर्य जी। उनका क्या कहना है इस विषय में? अब ये तो वही बता पाएंगे सर उनका क्या। नहीं, कुछ तो आपको आश्वासन दिया होगा, आपको भी तो कुछ बताया होगा इस बारे में, अभी कोई बताया नहीं उन्होंने। ठीक है, आपने लिखित दिया है या मौखिक बोला? नहीं, आपके स्कूल में जो समस्या है तो आप भी उसका प्रतिनिधित्व यहीं के हैं आप? नहीं, भाई बच्चों का भविष्य जो है प्राचार्य महोदय के नॉलेज में है, उन्होंने लोकल पंजीयों में भी कई बार लिखा है, अब वो उस पर क्या एक्शन उन्होंने लिया है ये नहीं बता पाएंगे। क्या नाम है? अमन बिजोरिया। सर जो आते हैं वो कितनी देर के लिए आते हैं? सर 1-1.5 घंटे के लिए। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर इंग्लिश। अच्छा, इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कितने तक हो गए हैं, कौन सी क्लास तक? सर जी विज्ञान सर 2 पार्ट करवा दिए सर, और सर मैथ भी करवा दिए। मैथ कितना हो गया है? सर कृष्णवली 1.1। हिंदी संस्कृत? सर इसके भी टीचर नहीं आए, मतलब अभी तक आपने संस्कृत की कोई पढ़ाई नहीं करी है? नहीं सर। खबर समय जगत के लिए दौराहा से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।